एग्जामदार चैनल पर स्वागत है। लाइक करें हमारे वीडियोज़ को और साथ ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नए नए वीडियोज़ मिलते रहें। हेलो फ्रेंड्स, एग्जाम द्वार चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज है 25 सितंबर 2020 और 25 सितंबर 2020 के हिंदी करेंट अफेयर्स के साथ मैं हाजिर हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना पहला करेंट अफेयर्स के साथ ये सेशन। और आज का अपना पहला करेंट अफेयर्स है, निम्न में से किस देश ने भारत समेत 3 देशों की यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया है? और इसके ऑप्शन है सऊदी अरब, बांग्लादेश, जापान या श्रीलंका। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, सऊदी अरब। चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या। तो सऊदी अरब ने भारत समेत 3 देशों की यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया है। कोरोना वायरस के मद्देनज़र सऊदी अरब इस देशों से आने वाले लोगों पर भी रोक लगा दी है। भारत के अलावा इसमें ब्राज़ील और अर्जेंटीना भी शामिल है। इन देशों में कोरोना के लगातार बढ़ते संक्रमण के मामलों को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। और ये किसने लिया है? तो सऊदी अरब ने। सऊदी अरब ने भारत, ब्राज़ील और अर्जेंटीना से आने वाले लोगों पर प्रतिबंध लगा दिया है। चलिए देखते हैं आज का दूसरा करंट अफेयर्स। हाल ही में किस रेल राज्य मंत्री का 65 वर्ष की उम्र में कोरोना के कारण निधन हो गया है? और इसके ऑप्शन है हरदीप सिंह पुरी, राजीव गौबा, सुरेश अंगड़ी या मनोज सिन्हा। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सुरेश अंगड़ी। चलिए देखते हैं इसके बारे में। रेल राज्य मंत्री सुरेश अंगड़ी का कोरोना महामारी की वजह से निधन हो गया। कोरोना संक्रमण से जान गंवाने वाले वह पहले केंद्रीय मंत्री हैं। सुरेश अंगड़ी 65 वर्ष के थे। सुरेश अंगड़ी कोरोना वायरस की वजह से मरने वाले कर्नाटक के दूसरे सांसद हैं। इससे पहले अशोक गस्तीव की पिछले दिनों कोरोना के कारण मौत हो गई थी। वे राज्यसभा के सांसद थे। वे कर्नाटक की बेलगाम सीट से 4 बार लोकसभा सांसद बने थे। चलिए चलते हैं आज के अपने तीसरे करंट अफेयर्स की तरफ। निम्न में से किस पहली महिला को राफेल लड़ाकू विमान उड़ाने के लिए चुना गया है? और इसके ऑप्शन है कोमल सचदेवा, शिवांगी सिंह, अंजलि सिंह या अवनी चतुर्वेदी। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, शिवांगी सिंह। चलिए देखते हैं इसके बारे में। तो शिवांगी सिंह लड़ाकू राफेल विमान उड़ाने वाली पहली महिला पायलट बन गई हैं। शिवांगी को राफेल विमान के स्क्वाड्रन की पहली महिला पायलट बनने का गौरव हासिल हुआ है। उन्हें देश के सबसे ताकतवर राफेल विमान उड़ाने की जिम्मेदारी मिली है। शिवांगी की पोस्टिंग इस समय राजस्थान में है। हैदराबाद में ट्रेनिंग पूरी होने के बाद शिवांगी इस समय MiG-21 की फाइटर पायलट है और वह राजस्थान में कार्यरत है। चलिए देखते हैं आज का चौथा करंट अफेयर्स। संयुक्त राष्ट्र ने कोरोना महामारी की सुस्ती के कारण 2020 में निम्न में से कितने प्रतिशत अर्थव्यवस्था रहने का अनुमान जताया है? और इसके ऑप्शन है 2.9%, 1.9%, 5.9% या 9.9%। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 5.9%। चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट में कहा गया कि कोविड-19 महामारी के प्रकोप के चलते भारतीय अर्थव्यवस्था में 2020 के दौरान 5.9% की कमी आने का अनुमान है। व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन की इस रिपोर्ट में अनुमान जताया गया है कि इस साल वैश्विक अर्थव्यवस्था में 4.3% की कमी होगी। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के प्रवाह में करीब 40% और विदेश से धन प्रेषण में 100 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक की कमी आएगी। चलिए चलते हैं अगले करंट अफेयर्स की तरफ। और आज का हमारा पांचवा करंट अफेयर्स है, अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका टाइम ने 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की लिस्ट में किस भारतीय अभिनेता को शामिल किया है? और इसके ऑप्शन है सलमान खान, अजय देवगन, अनिल कपूर या आयुष्मान खुराना। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, आयुष्मान खुराना। चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या।
दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पत्रिका टाइम ने अपनी 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की लिस्ट रिलीज की है। इसमें भारत के 5 बड़े नाम शामिल किए गए हैं। लिस्ट में इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी नाम शामिल है। इस सूची में शामिल अन्य भारतीय लोगों में गूगल के CEO सुंदर पिचाई, अभिनेता आयुष्मान खुराना, HIV पर शोध करने वाले रविंदर गुप्ताल और शाहीनबाग धरने में शामिल विल्किस भी शामिल हैं। चलिए आगे चलते हैं आज का अपना 6 करंट अफेयर्स की तरफ। भारतीय रेलवे ने कब तक बड़ी लाइनों के 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य निर्धारित किया है, यानी बड़ी लाइन पे 100% बिजली से चलने वाली व्यवस्था करने का भारतीय रेलवे ने निर्धारित लक्ष्य निर्धारित किया है। तो इसके ऑप्शन है 2030 तक, 2023 तक, 2040 तक या 2050 तक। इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर है ऑप्शन बी, 2023 तक। चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या। भारतीय रेलवे की बड़ी लाइनों के मार्गों को वर्ष 2023 तक 100% विद्युतीकृत किए जाने की योजना है। इस वर्ष 1 अप्रैल तक कुल 63,631 किलोमीटर रेल मार्गों में से लगभग 63% बड़ी लाइनों का विद्युतीकरण किया जा चुका है। रेल मंत्री ने बताया कि देश में 23,765 किलोमीटर रेल लाइनों का विद्युतीकरण होना बाकी है। चलिए चलते हैं अपने अगले करंट अफेयर्स की तरफ। और आज का 7 करंट अफेयर्स है, किस राज्य में देश के पहले चिकित्सा उपकरण पार्क यानी मेडिकल डिवाइस पार्क का शिलान्यास किया गया है? और इसके ऑप्शन है बिहार, पंजाब, झारखंड या केरल। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, केरल। चलिए चलते हैं इसकी व्याख्या की तरफ। केरल में देश के पहले चिकित्सा उपकरण पार्क यानी मेडिकल डिवाइस पार्क का शिलान्यास किया गया है। इस पार्क का उद्देश्य चिकित्सीय उपकरण उद्योग को अनुसंधान एवं विकास, परीक्षण एवं मूल्यांकन जैसी सेवाओं की एक पूर्ण श्रृंखला उपलब्ध कराना है। चलते हैं आज के अगले और 8 करंट अफेयर्स की तरफ। हाल ही में किस मशहूर शेफ ने किचन्स ऑफ ग्रेटिट्यूड टाइटल पुस्तक लिखी है? कौन सी पुस्तक? किचन्स ऑफ ग्रेटिट्यूड। और इसके ऑप्शन है, इसके ऑप्शन क्या है? तो ऑप्शन है विकास खन्ना, राकेश सेठी, संजीव कपूर या जसपाल इंदर सिंह कालरा। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, विकास खन्ना। चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या। मशहूर शेफ विकास खन्ना ने किचन्स ऑफ ग्रेटिट्यूड क्या किचन्स ऑफ ग्रेटिट्यूड टाइटल पुस्तक लिखी है। इसमें उन्होंने अपनी खाने खिलाने की पहल फीड इंडिया के बारे में लिखा है। फीड इंडिया पहल दुनिया के सबसे बड़े फूड ड्राइव के में से एक है, जो भूखे लोगों को भोजन परोसने की एक पहल है। क्या? फीड इंडिया। चलिए, यह पुस्तक 2021 में जारी की जाएगी। साथ ही इन्होंने इस पहल के लिए अक्टूबर में 2020 एशिया गेम चेंजर अवार्ड से भी सम्मानित किया जाएगा। चलिए चलते हैं आज के 9 करंट अफेयर्स की तरफ। विश्व समुद्री दिवस 2020 यानी वर्ल्ड मेरीटाइम डे का थीम क्या है? विश्व समुद्री दिवस 2020 का थीम क्या है? ऑप्शन है समुद्री समुदाय में महिलाओं को सशक्त बनाना या सतत गृह के लिए सतत शिपिंग, जहाज़ों, बंदरगाहों एवं लोगों को जोड़ना या समुद्री सुरक्षा तथा समुद्री वातावरण की सुरक्षा। तो विश्व समुद्री दिवस 2020 के लिए थीम क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सतत गृह के लिए सतत शिपिंग। ये इस बार की थीम है। चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या। तो विश्व समुद्री दिवस प्रतिवर्ष सितंबर के अंतिम बृहस्पतिवार को मनाया जाता है। ये भी याद रखना है, कब मनाया जाता है विश्व समुद्री दिवस? तो सितंबर के अंतिम बृहस्पतिवार को मनाया जाता है। और इस बार का थीम क्या है, 2020 का थीम क्या है? तो सतत गृह के लिए सतत शिपिंग। इस दिवस के द्वारा शिपिंग सुरक्षा के महत्व, समुद्री सुरक्षा तथा समुद्री वातावरण की सुरक्षा एवं समुद्री उद्योग पर जोर डाला जाता है। विश्व समुद्री दिवस साल 1958 में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन
IMO सम्मेलन के अनुकूलन की तिथि चिन्हित करता है। पहली बार इस दिवस को साल 1978 में मनाया गया था। चलते हैं आज के 10वें और आज के अंतिम करंट अफेयर्स की तरफ। DRDO ने किस राज्य में फायरिंग रेंज में स्वदेशी रूप से विकसित लेजर गाइडेड एंटी टैंक मिसाइल यानी ATGM का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? और इसके ऑप्शन है महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु या राजस्थान। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, महाराष्ट्र। चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या। तो DRDO ने लेजर गाइडेड एंटी टैंक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। इसे महाराष्ट्र के अहमदनगर में MBT अर्जुन टैंक से फायर किया गया। इस टेस्ट के दौरान एंटी टैंक मिसाइल ने 3 किलोमीटर दूरी पर मौजूद लक्ष्य को सफलतापूर्वक नष्ट किया है। इससे पहले मंगलवार को उड़ीसा के बालासोर में DRDO ने अभ्यास लड़ाकू ड्रोन का सफल परीक्षण किया था। कौन सा ड्रोन? अभ्यास लड़ाकू ड्रोन। और ये कहाँ से किया गया था परीक्षण इसका? तो उड़ीसा के बालासोर से। किसने किया था? तो ये DRDO ने किया था। इसी के साथ आज का हमारा ये सेशन समाप्त होता है। आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब के साथ एक बेल आइकन है उसे दबा लें, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। एग्जाम द्वार चैनल पे आपको मैथ, GK और रीजनिंग के वीडियो मिलेंगे। साथ ही आप हमसे व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है, वहाँ से आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। आपको एग्जाम द्वार चैनल पे RRB NTPC के लिए सीरीज चलाया गया है, वो वीडियो आप जरूर देखें। साथ ही रेलवे ग्रुप बी के साथ CTET का भी सीरीज शुरू किया गया है, तो वो वीडियो भी आप जरूर देखें। CTET के बारे में भी, CTET का एग्ज़ाम कब होगा इसके बारे में भी हमने इन्फॉर्मेशन दी है, तो वो वीडियो भी आप जरूर देखें। CTET एग्ज़ाम डेट कब है इसके बारे में एक वीडियो स्पेशल बनाया गया है, वो वीडियो आप जरूर देखें। उसमें पूरी डिटेल के साथ डेट बताई गई है कब एग्ज़ाम होने वाला है। इसी के साथ आज का हमारा ये सेशन समाप्त होता है। हम आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।